सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार है। हाँ जो बीसीसीएल का जो रैंक था वो यूआर में 120 था और ईडब्ल्यूएस में 7 था। एट प्रेजेंट मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गया में पढ़ाई कर रहा हूँ, ट्रिपल ई ब्रांच में। ट्रिपल ये ओके। और जब आप तैयारी कर रहे थे तो सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट पे फोकस किए थे? सर, सबसे ज्यादा तो फोकस हम किए थे इंग्लिश पर ही, क्योंकि अगर इंग्लिश अगर डिसक्वालीफाई करते हैं तो सबको पता है कि कॉपी तो चेक होगा नहीं, तो जिसके कारण हम इंग्लिश पर ही ज्यादा फोकस किए थे। और उसके बाद फिर मैकेनिक्स था और फिर मैथ। तो इंग्लिश पे कोई वैसा टॉपिक होगा जो आपको इजी या हार्ड लगता होगा? नहीं, इंग्लिश में सर जैसे है कि सब टॉपिक जो है वो समझने वाला है, जैसे अगर समझ लिए तो सारा टॉपिक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम जब तैयारी कर रहे थे तो ज्यादा दिन तो नहीं, लेकिन 15 से 20 दिन हम रेगुलर लगभग 2 घंटे 3 घंटे रोज इंग्लिश का तैयारी के टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक को लिखें एक पेज पर, हो गया सिलेबल, हो गया लुसेंट का मिसलेनियस, हो गया और कलेक्टिव नाउंस वगैरह हो गए, तो ये सबको मैंने लिखा था सबको, और हर एक टॉपिक को एक एक दिन कवर अप किया और फिर वही से हुआ सारा चीज। आपको हमारे चैनल के बारे में कैसे पता चला था? कोई दोस्त वगैरह बताया था या खुद से सर्च किए थे तो आया था? नहीं, हम खुद से सर्च किए थे कि मतलब बीसीसीएल का कोई वैसा तैयारी, यूट्यूब पर चैनल बना ही होगा, तो उसमें 2-3 चैनल थे जो हमको लगा कि नहीं वो सही ढंग से कंटेंट दे रहे हैं, सही कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को, जिससे उसको फायदा हो रहा है। एक आपका चैनल था और एक और थे जो बर्निंग ड्रीम करके थे भैया, वो भी बहुत अच्छे कंटेंट दे रहे थे। मतलब ये दो हमको लगा कि अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। और इंग्लिश तो ओवरऑल आप ही का चैनल और कंप्लीट हो गया था, और कुछ कुछ अपना जो सिलेबस लिखे थे उसके अनुसार हम अपना तैयारी किए। मैकेनिक कैसे तैयारी किए थे? हाँ, मैकेनिक्स तैयारी किए थे सर हम, आर एस खुरमी का एक बुक आता है हाँ हाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो उससे हम पढ़े थे और वही, और फिर लेक्चर देखते थे वही फिजिक्स में, वो जो अलख पांडे सर हैं उनका लेक्चर देखते थे। तो मैकेनिक्स को में हार्ड या जो इजी टॉपिक्स है वो कौन सा है आपका? मैकेनिक्स में तो सर सब तो चैप्टर हार्ड ही है, लेकिन वर्क एनर्जी पावर थोड़ा इजी है, एक होगा ना कि और भी किस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट ज्यादा था मैकेनिक्स? हाँ, तो वर्क एनर्जी पावर से वहां पर भी क्वेश्चन पूछा था तो हमसे बना था, और कुछ और जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था वो भी बना था। ओवरऑल मेरा 60 मार्क्स आया था बीसीसीएलई में, 60 नंबर आया था मेरा, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन तो मेरा सही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैकेनिक से स्टार्टिंग का कुछ पढ़े थे और मैथ ज्यादा पढ़े थे हम, मैथ मैथ में पढ़े कौन थे सा हम, टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस किए थे? जो मैट्रिक्स पूरा ढंग से पढ़े थे, आई एन वैल्यू, आई एन वेक्टर, ये सब मतलब बहुत इजी टॉपिक है और बहुत आसानी से बन भी जाता है एग्जाम में, इस पर हम फोकस किए थे। और वहां पर क्वेश्चन 3 या 4 पूछा था, उसको आसानी से इजी वे में बना बन गया था वो आई एन वैल्यू। उसके बाद और भी कुछ था, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ये सब पूछा था, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्वेश्चन पूछा था तो वो भी बना था ऐसे करके। अभी आप जो है सेमेस्टर में पढ़ने के लिए बैठे होंगे तो क्या कोई डिफरेंस लगा डिप्लोमा में जो पढ़े हैं और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसमें?
हाँ डिफरेंस है सर, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम जो डिप्लोमा में पढ़ते हैं वो, अगर जैसे हम झारखंड से डिप्लोमा किए हैं तो हम जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़े बेसिक इलेक्ट्रिकल, और उससे वो दोनों को मिला करके और भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ एक सेमेस्टर में पढ़ना है, तो डिफरेंस है थोड़ा सा, ज्यादा पढ़ना है कंटेंट। और यहाँ पर एक चीज और है कि न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज्यादा पूछता है, डिप्लोमा में थियोरेटिकल हम लोग ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछता है, और उस तरह का न्यूमेरिकल पोर्शन और मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन जो हम लोग डिप्लोमा में अवॉइड करते हैं, टफ लगता है वो, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसको भी करते नहीं, हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मैक्सिमम यहाँ पे झारखंड से ही आते हैं बिहार में, ऐसा क्यों? क्या झारखंड में कॉलेज नहीं है क्या? नहीं, झारखंड से नहीं, मेरा घर जो बिहार ही है, मेरा घर बिहार औरंगाबाद है, हम झारखंड में डिप्लोमा करने गए थे, अब वहां से फिर यहाँ अपने BCCLE का लिए, तो इसमें सिलेक्शन हुआ तो वहां पे हमारा। भी डिप्लोमा करने गए होंगे, तो वहां भी तो गवर्नमेंट से ही गए होंगे, ये हाँ प्राइवेट तो गवर्नमेंट से गए थे। नहीं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक था। है यहाँ पे इसका एग्जाम नहीं दिए थे बिहार वाला? हाँ बिहार का दिए थे, रैंक ज्यादा आया था, वहां पर रैंक अच्छा था। इसलिए वहां पे एडमिशन ले लिए। हाँ एडमिशन ले लिए। चलिए, तो यहाँ पे आप कुछ सजेशंस करना चाहते हैं जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या चीज पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि उनको एक अच्छा रैंक और एक अच्छा कॉलेज मिल सके, क्योंकि आप टॉप हाँ 10 कॉलेज वाले जैसे में एडमिशन लिए हैं, तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हाँ मिल रहा होगा कि किस तरीके का माहौल है। जैसे अगर अगर आपको बिहार में अच्छा कॉलेज अगर चाहिए, जैसे TechCube 3 का जो कॉलेज है, जितने भी 7 कॉलेज हैं, MIT भागलपुर, गया, नालंदा, मोतिहारी, दरभंगा, ये सब TechCube 3 के कॉलेज हैं, तो उसमें पढ़ाई भी अच्छी होती है सारा, मतलब वहां पर देखिए कि लैब प्रैक्टिकल, जैसे हम लोग का अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो उसमें भी वर्चुअल लैब हम लोग को करवाया जा रहा है, सब चीज का क्लासेस भी डेली, लगभग 3-4 क्लासेस डेली होते हैं, ऊपर से लैब भी करवाया जा रहा है, वहां पर भी हम सारा कॉलेज गए हैं देखे हैं, तो उसमें व्यवस्था भी सारा सही है और लैब वगैरह का भी ठीक है, और कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो कंपनी भी आती है, या 2-4 कंपनी भी आई है, अभी भी नोटिस आया था कि कोई कंपनी है तो आया था, तो अगर टॉप कॉलेजेस में चाहिए तो थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा ना, तो ऐसे तो BCCLE के लिए अगर आप चाहें तो एडमिशन तो हो ही जाएगा, सिर्फ अगर इंग्लिश क्वालिफाई कर लीजिएगा तो एडमिशन तो हो ही जाएगा, लेकिन अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो थोड़ा सा तो कॉन्शियस रहना पड़ेगा, कुछ तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, उतना ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा तो सिंसियर रहना पड़ेगा। और एक और बात, यहाँ पे जो जो भी 2020 में लिए उनको एक अपॉर्चुनिटीज इसलिए भी मिल गया था क्योंकि सीट बहुत ज्यादा खाली रह गया था, हाँ इस कारण से भी। सर हाँ ये बोलिए। हुआ था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका रैंक बहुत ऊपर था, लगभग 2000, 2200, 2500, फिर भी उनका एडमिशन हो गया था, लेकिन जो नए नए कॉलेज खुले हैं उसमें अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे हमारे ही गया इंजीनियरिंग में कॉलेज चल रहा है आपका, औरंगाबाद का और जहानाबाद का, अरवल का, 3 कॉलेज चल रहा है, तो उन लोग के मतलब जैसे उन कॉलेज में भी अगर शिफ्ट करता है तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन अगर एक एस्टेब्लिश्ड कॉलेज जो TechCube 3 कॉलेज, अगर उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ का माहौल भी सही है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा सही है, प्लस में टीचर भी अच्छे हैं, क्लासेस लेने वाले टीचर हैं यानी क्लास लेने में वो पीछे नहीं है। मैम। नहीं क्लासेस लेते हैं हम लोग, यहाँ तक कि जो आपको तो पता ही होगा सर कि जो हम लोग का हुआ था एग्जाम, एडमिशन हुआ उसके 21 या 22 डेज के बाद हम हाँ, लोग का थर्ड सेमेस्टर का लगभग एग्जाम आ गया था। जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था उसके हाँ अनुसार पच 1 महीना में हो गया। तो उसमें भी हम देख रहे थे कि हम लोग का क्लास जितना भी मैकेनिक्स का हो गया, इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल का हो गया, सबका ऑनलाइन क्लासेस हम लोग को चला करके कुछ कुछ टॉपिक बताया गया था कि बाबू ये पढ़ो ऐसे पढ़ो, तो इसमें ताकि तुम लोग अपना भी सेमेस्टर तो पार कर सको, तो टीचर का बिहेवियर भी सही था और सर लोग भी
काफी, हम अपना कॉलेज गया इंजीनियरिंग का बता रहे हैं। नहीं नहीं टीक्यू थ्री में जो भी कॉलेजेस आता है उसमें ये सभी फैसिलिटी है, हम भी मानते हैं। तो अच्छे रैंक लाने के लिए और कौन सा टॉपिक पे पढ़ना चाहिए जो इस बार तैयारी कर रहे हैं, क्या ये सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ सर, जैसे मैट्रिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छे से मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, वो जो क्वेश्चन का पैटर्न को पकड़ के मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे आई एन वैल्यू होगा, आई एन वेक्टर से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी पूछता है और वो बहुत आसान है, आसानी से बन भी जाता है। हम भी पढ़े थे, अच्छे ढंग से पढ़े थे तो उसका क्वेश्चन बन गया था। आपका मैकेनिक्स में तो आप मैकेनिक्स का क्वेश्चन काफी टफ पूछा था, लेकिन बहुत ज्यादा टफ पूछा था। वर्क एनर्जी पावर से 1-2 क्वेश्चन था, वो थोड़ा ठीक पूछा था, आसान तो बन गया था, और भी बाकी सब तो टफ ही पूछा था। आपका 60 मार्क्स तो अच्छे रैंक लाने के लिए तो आपका 200 के आसपास रैंक होगा? नहीं, 120 रैंक। यूआर में 120 था और ईडब्ल्यूएस में 7 था। तो मैथ में कई सारे लोग बोलते हैं कि सर वेक्टर कैलकुलस भी बता दीजिए, सॉलिड ज्योमेट्री भी बता दीजिए, मतलब ये सभी से क्या है? अभी पढ़ना लास्ट टाइम में जरूरी है या फिर नहीं? नहीं, जैसे मैथ में तो हम, जैसे मैथ में मेरा जो अपना है उसमें हम जहाँ तक सोच पा रहे हैं, क्योंकि आप अगर सारा सिलेबस को कवर करना अगर सोचिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फ्रेशर्स भी आते हैं तो सेमेस्टर भी देखना है, इधर भी देखना है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसमें कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे मैट्रिक्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये कुछ कुछ टॉपिक अगर 3-4 टॉपिक पढ़ ले तो आराम से लगभग हमको लगता है कि 10 क्वेश्चन तक इजी वे में हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैकेनिक्स को अगर आप पढ़िए, कुछ कुछ जो टॉपिक पढ़िए ढंग से पढ़िए, हम ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़े थे, कुछ कुछ टॉपिक ही पढ़े थे, लेकिन उसका पैटर्न को क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप ही के चैनल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके पैटर्न समझ करके और एक नोट्स तैयार किए थे उसका और पढ़े थे, लेकिन अच्छे से पढ़े थे, जो टॉपिक पढ़े अच्छे से पढ़े और वहां गए तो क्वेश्चन बना भी उससे। तो ये चीज हम भी कई बार वीडियो में बताया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है नहीं सब चीज पढ़ लेंगे लास्ट में तो ज्यादा मार्क्स आने लगेगा। नहीं, मुश्किल, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी हाई होता है इसमें। और कुछ जो तैयारी करना चाहेंगे उन लोगों को कहना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करें? इंग्लिश पर तो फोकस करना ही है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन और उसके बाद भी आप पढ़िए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए क्या टॉपिक पूछ रहा है। जैसे हम इंग्लिश का बता दे रहे हैं, इंग्लिश में जैसे आप भी तो सर चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट उसमें पढ़ा होगा, पिछले प्रीवियस इस ईयर का तो हम देखे नहीं है, तो हम लोग के समय जो जो पढ़े हम, जैसे फोनेटिक्स हो गया, सिलेबल हो गया, इडियम्स फ्रेजेज हो गया, सैनोनेम्स एंटोनेम्स हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव्स भी पूछा था, और कुछ कुछ ऐसे ही टॉपिक हो सारा उस सिलेबस। फिर लूसेंट का मिसलेनियस, वेरी इंपॉर्टेंट, लूसेंट का मिसलेनियस है, उसको एकदम समझ करके पढ़ करके ही जाना है, तो उससे पासिंग मार्क्स तक आ जाएगा। 20 क्वेश्चन हम भी 20 क्वेश्चन बनाए थे 100% कॉन्फिडेंस, तो उसमें हम भी पास किए थे। क्या एक टाइम फ्रेम आप बता सकते हैं कि जो तैयारी अभी कर रहे हैं उनको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ना चाहिए? वैसा टाइम फ्रेम तो, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम भी रहता है तो उतना तो नहीं है, लेकिन जब आपको टाइम मिले तब आप अच्छे से पढ़े, उसको टॉपिक को समझ लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। डेली का जैसे एक टाइम होगा ना कि हाँ अगर मुझे 2 घंटे टाइम मिलता है तो आधे घंटे मैं इंग्लिश को पढ़ूंगा, आधा घंटा मैकेनिक्स पढ़ूंगा, आधा घंटा मैथ पढ़ूंगा, इस तरीके से कोई एक टाइम फ्रेम होगा ना कि हाँ मुझे इतना टाइम मिल रहा है तो इतना टाइम हम दे सकते हैं, वैसे कुछ?
जैसे हम अगर ऐसे तो हम बहुत ज्यादा पढ़ते थे, जैसे 15 दिन लास्ट में तो बहुत ज्यादा पढ़े दिन, मतलब 6 घंटा 7 घंटा पढ़े 15 डेज तक लास्ट में पढ़े। उसके बाद पहले कुछ कुछ पढ़े थे तो उसमें 1 आवर 2 आवर ऐसे करके पढ़ते थे। तो उसमें अगर 1 घंटा इंग्लिश पढ़े तो 1 घंटा मैथ भी पढ़ लिए, अगले दिन सिर्फ मैथ मैकेनिक्स 1 1 घंटा पढ़ लिए, और बीच बीच में उसको पीछे से पलट कर कर रिविजन भी कर लिए। मैंने 2 बार जरूर पढ़े थे, 2 से 3 बार टॉपिक को पढ़े थे, जो पढ़े थे 2 से 3 बार पढ़े थे। इस बार तो अभी फॉर्म आया नहीं, कि पिछले बार तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था, लंबा समय मिल गया था फॉर्म आने का, हाँ लेकिन इस बार टाइम नहीं मिलने वाला है। फॉर्म हाँ आएगा 1 से 2 महीने के अंदर, उसको एग्जाम ले लेगा। हाँ इस मंथ शायद फॉर्म आ सकता है, या नहीं तो नेक्स्ट मंथ आ सकता है। हाँ, क्योंकि इस बार टाइम बहुत कम ही मिलेगा उन लोगों को। कम मिलेगा। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। आप अपना ठीक है कुछ समय निकाल कर हमें जो है शेयर किए हमारे साथ, और हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे उन लोगों को भी खुशी मिलेगा कि नहीं, हमारे जो सीनियर्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे आए हैं। ठीक है, थैंक यू। नहीं सर, इसमें आपका भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, आपके चैनल से ही हम इंग्लिश का तैयारी, तो खैर आप और एक और जो बर्निंग ड्रीम वाले भैया हैं उनसे तब बेहतरीन। नहीं, जिस समय हम भी तैयारी ठीक है किए थे सर। उस समय भी वो थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं तैयारी, हम भी उनसे पढ़े थे, लेकिन उनका उस समय क्या था कि बस एक दो वीडियो अपलोड करते थे। लेकिन 2020 में मेरे पास भी दो तीन स्टूडेंट बताए थे कि ये अभी अपलोड कर रहे हैं। चलिए अच्छा बात है, अगर बता रहे हैं, अगर उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हमसे सीनियर हैं तो ऑब्वियसली हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस उसके पास होगा, तो कुछ तो एक्स्ट्रा ही मिलेगा, वहां से भी तुम नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि सीनियर इज ऑलवेज सीनियर। यस क्योंकि मैंने भी जिस कॉलेज में पढ़ा था वहाँ के प्रिंसिपल हमेशा बोलते थे कि तुमको कुछ भी हो जाए, अगर सीनियर कुछ भी बोल रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी सही है तो वो सही ही रहेगा, क्योंकि उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है तभी वो कुछ बता रहा है। चलिए थैंक यू फिर। ठीक है, थैंक यू सर।